डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से शुक्रवार को कठुआ के लखनपुर का दौरा किया गया। इस दौरान अगर बात करें तो उन्होंने आगामी दिनों में शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का निरीक्षण किया और साथ ही साथ इस मौके पर अगर बात करें तो डीजीपी दिलबाग सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से एक टिप्पणी पर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसके बाद सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। वहीं बदरवा और उसके आसपास के इलाकों में एहतियातन तौर पर कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से जो है इस समय भाईचारे की मिसाल पैदा करने की बात की है। कश्मीर घाटी में शुक्रवार को हड़ताल हो गई, सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। अचानक हुई हड़ताल को देखते हुए प्रशासन ने भी पूरी वादी में सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए। श्रीनगर के कई हिस्सों में एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया। यह हड़ताल भाजपा के पूर्व प्रवक्ताओं द्वारा हजरत मोहम्मद के प्रति की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ हुई। इस बीच भदरवा और रामबन में प्रदेश प्रशासन ने बता दें कि शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रखा, वहीं किश्तवाड़ में भी कर्फ्यू लागू किया गया। पुलिस ने शुक्रवार को मध्यम कश्मीर के बड़गाम जिला में आतंकी सहयोगी के साथ लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ताओं ने कहा है कि पारंपरिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार दोनों लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को परिवहन और रसद सहायता प्रदान करने के अलावा बड़गाम जिला में हथियारों और गोला बारूद के परिवहन में शामिल थे। उन्होंने बताया कि उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री, एक चीनी ग्रेनेड और 35 एके राउंड सहित गोला बारूद के हथियार बरामद हुए हैं। शुक्रवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान जो है उनकी तरफ से साफ कहा गया कि अगर बात की जाए तो जम्मू ने हमेशा ही भाईचारे की मिसाल दी है और जिस तरीके से अब लगातार जो है टिप्पणियां सामने आ रही हैं वे कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर देखा जाए तो सेंटर से जो टिप्पणी आई उसके बाद से अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो है लगातार उस पर गलत तरीके से कम्युनल राइट्स करने का प्रयास कर रहे हैं जिस पर हमें रोक लगानी होगी। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जम्मू कश्मीर के हालातों को खराब करने का प्रयास जिसमें अगर बात की जाए टारगेट किलिंग लगातार देखने को मिल रही है, इसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर अब कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। शुक्रवार को जम्मू में नुपुर शर्मा के विरोध में और उनके हक में प्रदर्शनों का दौर देखने को मिला। बता दें कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है शुक्रवार को प्रदर्शनों का दौर जोर पर रहा। इसी के चलते जो है अलग अलग फेडरेशन सड़कों पर उतरी हुई नजर आई और वहीं जुम्मे की नमाज के बाद जो है मुस्लिम समुदाय जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे हुए नजर आए, जिस पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई। कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू की हत्या के मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। बता दें कि 8 जुलाई तक के लिए ये सुनवाई स्थगित की गई है। अदालत ने यह स्थगन आदेश परिवार के वकील उत्सव बैंस द्वारा ईमेल के जरिए सुनवाई स्थगित करने के आग्रह के बाद किया। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के डीसी कार्यालय में शुक्रवार को एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें धर्म गुरु और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया और साथ ही साथ नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की। इस दौरान जो है मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं की तरफ से जिला पुंछ में शांतिपूर्वक बंद करने का ऐलान किया गया और साथ ही साथ अगर बात करें तो इस मीटिंग की अध्यक्षता डीडीसी पुंछ इंद्रजीत और एसएसपी रोहित बसोत्रा द्वारा की गई। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बहनमऊ बटलर गांधरबल की तरफ से शुक्रवार को कुलपति खेल महोत्सव और पर्यावरण सप्ताह समारोह का समापन किया गया। बता दें कि इस आयोजन में एक सप्ताह चलने वाली प्रतियोगिताओं के आसपास सभी स्कूलों ने भाग लिया और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो छात्रों में एक अलग ही तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया कि छात्रों के शारीरिक और मानसिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए साल भर इस तरह की गतिविधियों को आयोजित करने की आवश्यकता है। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर जुम्मे की नमाज के बाद देश भर की कई जगह हंगामा हुआ। अगर बात करें तो दिल्ली, यूपी, प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, हावड़ा, रांची समेत कई जगह पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई और कई जगहों पर उग्रवादियों ने आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया।